ना करें बेगम साहिबा, इंसान जब खुदा की तलाश में निकलता है तो उसे जरूर आधे रास्ते में मिल जाता है और पूरी मदद कर देता है। आप बस मुझे पढ़ने के लिए कुछ बता दीजिए, मैं तहज्जुद के वक्त भी उठ जाया करूंगी, बस मेरे नौफल को कुछ ना हो। आप फिक्र बिल्कुल छोड़ दें और अल्लाह ताला पर एतमाद रखें, वो हम कमजोर लोगों की गलतियों को माफ करने वाला है। अगर सिद्क दिल से पुकारे तो फौरन मदद को भी पहुंचता है। हाँ हेलो, क्या सब ठीक हो गए? थैंक गॉड। हाँ हाँ कोई बात नहीं फैजान, हम बच्चे के इलाज का सारा एक्सपेंस दे देंगे। हाँ और क्या? अच्छा बताओ नौकर तो ठीक है ना? शुक्र है अल्लाह का। नहीं नहीं तुम ऐसे करो कि उसे नौफल को लेकर घर चले जाओ। हाँ प्लीज, वो बेचारा तो हिल गया होगा ना। नहीं उसे स्लीपिंग टैबलेट देके सुला देना बस। हाँ खुदा लीजिए बेगम साहिबा, सरे दस्त तो यही हाजिर है। आपके पास आना तो बहुत ही मुबारक साबित हुआ, नौफल को हवालात वालों ने छोड़ दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलवी साहब, बहुत मेहरबानी। या शाफी, या काफी, या काफी। फिर मौलवी साहब मैं खान सामा जी को आपके पास भेज दिया करूं, आप उसे दम किया हुआ पानी दे देंगे? देखिए मैं क्या और मेरा दम किया हुआ पानी क्या, अगर कोई तासीर है तो वो कलामे पाक की है। अगर आपकी ख्वाहिश है तो मैं खुद आ जाया करूंगा, मैं हर रोज आपकी कोठी के सामने से गुजरता हूँ। ये तो बहुत जाएगा, इस तरह मुझे खान सामा को छुट्टी नहीं। मौलवी साहब क्या बात है, आप गर्जे पर से नहीं, आपने आयतें भी नहीं पढ़ी, मुझे डराया धमकाया भी नहीं, यहाँ बेपर्दा आने पर आपने मुझे शर्मिंदा भी नहीं किया। आप किस किस्म के मौलवी हैं? बेगम साहब आप जमाना ही ऐसा आ गया है जिसके पास जो इल्म है वो उसे तहक्कुम के साथ पेश करता है, हालांकि खुल के साथ मेहरबानी से बात करने का हुक्म है। मगर क्या करें, हम बदनसीब लोग हैं, हम भी अल्लाह का बुलावा ऐसे देते हैं जैसे कोई दुनियावी इल्म हो, मगर क्या करें, कोई सुनता जो कोई नहीं। लेकिन क्यों मौलवी साहब, इतना गरजने भड़कने की जरूरत क्यों? इस तरह कयामत का डंडा हर वक्त क्यों? बेगम साहब उस्ताद ऊंचा बोलता है, सिपाही कड़कता है, क्यों? इसलिए कि बात सुनने की भी होती है। अभी आप फरमा रही थी कि जब बच्चे आपकी बात नहीं सुनते तो आपको शाउट करना पड़ता है और आपकी आवाज घर के सारे कमरों में जाती है। अगर बच्चे आपकी बात सुनते तो आपको क्यों ऊंचा बोलना पड़ता? हाँ ये बात है, बच्चे डिसिप्लिन कबूल नहीं करते। क्यों मौलवी साहब, आखिर क्यों? देखिए मोहतरमा, मेरा इल्म तो नाकिस है लेकिन बड़ों से सुना है कि कल्ब की दो खतरनाक बीमारियां होती हैं, एक नाशुक्रगुजारी, दूसरी नाफरमानी। और जहां ये तमाम बीमारियां घर कर जाएं, वहां लोग हुदूद में रह नहीं सकते, ना तो उस्ताद के बताए हुए कायदे पसंद आते हैं, ना वालदेन की तरबियत का असर होता है, ना कानून की समझ बाकी रहती है और ना ही दीन का रास्ता सुनने बताने को जी जाता है। बाकी सब तो किसी ना किसी तरह बच जाते हैं लेकिन ये हल्ला की हुदूद बताने वालों को दोहरी मार खाना पड़ती है।
एक तो वो खुद काबिल नफरी ठहरते हैं, दूसरे लोग उस मजहब को बुरा भला कहते हैं जिस मजहब की वो पैरवी करते हैं या जिस दीन की वो बातें करते हैं जिससे वो मोहब्बत करते हैं। बड़ी मुश्किल है हमारे लिए, बात समझाएं तो मुश्किल, ना बताएं तो मुश्किल। ये मौलवी साहब, ये हकीर सा नजराना है, बच्चे के लिए कोई जोड़ा बोड़ा बना लीजिएगा। नहीं मौलवी साहब प्लीज आप ले लीजिए ना, मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ। वो तो ठीक है बेगम साहबा, लेकिन मेरी जरूरियात कुछ ज्यादा नहीं है। देखिए इसे मेरे तकब्बुर पर महमूल ना फरमाइएगा, दरअसल मुझे मस्जिद से जो तनख्वाह मिलती है वो मेरे और ज़ाहदा के लिए बहुत है। लेकिन मौलवी साहब हमारी अम्मा तो सारी उम्र मस्जिद में खाना भिजवाती रही, वहां के मौलवी ने तो कभी इनकार नहीं किया था। दुरुस्त है जी, अगर अखराजात ज्यादा हो तो ले लेने में कोई हर्ज नहीं, इससे जरा अना में कमी हो जाती है। वैसे हम लोग, हम मौलवी लोग मांगत नहीं होते, हाजतमंद जरूर हो सकती है। ले ले मौलवी साहब ले लेना, प्लीज तकल्लुफ ना करें। देखिए बेगम साहबा, जब गोरा हाकिम यहां आया और उसने यहां की आबादियों को समझने की जरूरत को महसूस किया तो उसे पता चला कि बरसगीर के लोग ना तो अमीर हैं ना तालीम याफ्ता, लेकिन फिर भी मजबूत हैं। तो उसने ऐसे उस्ताद खत्म करने की कोशिश की जिन्होंने बरसगीर के मुसलमानों को ताकतवर रीढ़ की हड्डी अता कर रखी थी। आपने तो पुराने गजट पढ़े होंगे, उसमें जा बजा लिखा हुआ कि गांव में ऊंची जातों के साथ साथ कमी कमीन लोग भी थे। गोरे हाकिम ने अपने गोशवारे में मौलवी को कमी कमीन ही शुमार किया है। आप बहुत अजीब किस्म के इंसान है मौलवी साहब। बस जी बेगम साहबा, जब कोई तबका बिगड़ जाता है तो जी कुछ सर फिरे, कुछ दीवाने, कुछ अजीब से लोग उस तबके में उसे सुधारने के लिए जमा हो जाते हैं। इस्लाह भी उसी की तरफ से होती है बेगम साहब। ना बेटा ना, आखिर लुकमे में ही तो रहमत होती है। मक्के में झाड़ू नहीं फेरेगी हमारी जाहिदा, फेरेगी ना। ए शाबाश, ए बिस्मिल्लाह। अब कहो बेटा अल्हम्दुलिल्लाह। शाबाश, अब जाके अपनी थाली धो डालो, उधर चले जाओ। जो शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा मेरा जाता बेटा, बहुत अच्छा, जीते रहो। अच्छी तरह धो के अलमारी के ऊपर रखना है। मौलवी साहब एक्सक्यूज मी, लेकिन क्या इस तरह आप बच्ची को बहुत चालाक और पक्की परौंठी नहीं बना देंगे इतनी छोटी सी उम्र में? पक्की परौंठी? मेरा मतलब है कि इतनी छोटी सी उम्र में आप इसे इतना टफ क्यों बना रहे हैं, इतना ज्यादा डिसिप्लिन? क्या बच्चों पर इतना ज्यादा दबाव ठीक है? क्या इस तरह ये डबल वैल्यूज का शिकार नहीं हो जाते? कुछ रियाकार से, कुछ चालाक से, अंदर से कुछ बाहर से कुछ। मोहतरमा, जहां भी आपको तरक्की नजर आएगी वहां बुनियाद डिसिप्लिन ही होगी। जिन कौमों की आज हम परस्तिश करते हैं वहां भी कदम कदम पर कानून रोकता है, उस्ताद मना करता है, मां आगे पीछे नहीं होने देती। वहां की सब बहारें भी हुदूद से ही हैं बेगम साहिबा, उनकी हुदूद कायम है तो वहां के सिस्टम चल रहे हैं ना। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, पता है आज कितनी जिल्लत हुई मेरे थाने में, पिस्तौल निकला तुम्हारी जेब से। अंकल बाबा आप सुनते क्यों नहीं, कसूर हमारा नहीं था, इधर से स्कूल के बच्चों का रास्ता, ट्रक वाला भी गलत आ रहा था, मोटरसाइकिल वाले को अपनी जल्दी थी। अभी तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है नौफिल,
तुम हमारी परवाह तो नहीं करते क्या? तुम एक ऐसे शहरी की तरह कानून का इतराफ भी नहीं कर सकते? चलो हमारे रेस्ट कर, चंद है जैसे ही एथिकल हो जाओ एक अच्छे शहरी बन। काम कौन कर? साल हुआ जाहिदर की, अब हम दोनों बाप मिलकर घर कर लेते हैं। घर का काम कौन करता है मौलवी साहब? बस जी साल हुआ जाहिदा की माँ फौत हुई, अब हम दोनों बाप बेटी मिलकर घर का काम कर लेते हैं। वो बर्तन धो लेती है, मैं खाना पका लेता हूँ। वो तकिया उठा लेती है, मैं कंबल तय कर लेता हूँ। वो झाड़ पूछ कर लेती है, मैं झाड़ू दे लेता हूँ। आप बहुत अच्छे आदमी हैं मौलवी साहब, आप में वो बुराइयाँ नहीं हैं जो मौलवी हजरात में होती। दरअसल बेगम साहबा, आम कमजोर आदमी ऐसे मुकाम पर नहीं होता कि वो अच्छे या बुरे में तमीज कर सके। भाषुकात ऐसा होता है कि जिस चीज को हम बुरा समझ रहे होते हैं दरअसल वही अच्छी होती है। आम आदमी पसंद और नापसंद की जिंदगी गुजारता है, नफरत और मोहब्बत की जुबान समझता है, अच्छे बुरे की उसे तमीज नहीं होती। मैं आपकी बात समझी नहीं मौलवी मुकीम, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमें पता ही नहीं है कि अच्छा क्या और बुरा क्या है। देखिए मोहतरमा, शायद आपको हो, लेकिन आम मुतवस्त आदमी जब किसी शख्स से मोहब्बत करता है तो उसके सामने उस आदमी की सारी अच्छाइयाँ उभर कर सतह पर आ जाती हैं और सारी बुराइयाँ जेरे आप चली जाती हैं। लेकिन जब वो उस शख्स की नफरत में मुब्तला हो जाता है तो फिर उसकी सारी की सारी बुराइयाँ ही उसके सामने आ जाती हैं, अच्छाइयाँ सब डूब जाती हैं। लेकिन अगर वो आदमी अच्छे या बुरे में तमीज रखने की अहलियत भी रखता हो तब भी उसके जज्बात उसे ऐसा करने से रोकते रहते हैं। अब देखिए ना, अगर किसी बेटे में ऐब और खामियां हो तो उसकी माँ की मोहब्बत उसे वो खामियां और ऐब नहीं देखने देती। क्या करें, इंसान कमजोर जो हुआ बेगम साहबा। नहीं नहीं खैर, हमें तो ठीक ठीक पता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अब देखिए आप अच्छे हैं तो आपको हम में अच्छाई नजर आई ना। अच्छे और बुरे की तमीज सिर्फ मजहब अता करता है बेगम साहब, और अच्छे बुरे का शऊर तो सिर्फ पैगंबरों को होता है। हम तो अपनी अकल सलीम से सिर्फ उन हदूद की पासदारी करते हैं जो हमारे बड़े बता गए हैं। अच्छा खैर, खुदा हाफिज। मैं एक शाम में इससे ज्यादा लेक्चर सॉलो नहीं कर सकती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बेगम साहबा, वो दरअसल मैं समझा नहीं, क्या आप चाहती हैं कि मैं आपके बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए घर आ जाया करूं? मेरे छोटे बच्चे भी बहुत छोटे हैं कि कुरान पढ़ सके, और बड़े बच्चे अभी बहुत बड़े हो गए हैं। तो फिर बस आप दम के लिए आ जाया कीजिए ना सुबह के वक्त में, मैं आपको पे कर दिया करूंगी। मौलवी मुकीम, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप खासे रोशन ख्याल आदमी हैं, एक हद तक आपको लिबरल भी कहा जा सकता है। बेगम साहबा, अमूमन आदमी वही कुछ बन जाता है जैसा लोग उसके बारे में ख्याल रखते हैं। अब अगर आप हमें अच्छा समझेंगे तो हम भी जरूर अच्छा बनने की कोशिश करेंगे। अच्छा मौलवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैंने आपका खासा कीमती वक्त लिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बेगम साहबा, मेल जोल से ही सब कुछ होता है। अगर आप हम जैसे लोगों से इसी तरह मिलते रहेंगे तो हम बहुत कुछ सीखेंगे, और अगर अल्लाह ने चाहा तो आपको भी हमसे कुछ ना कुछ हासिल जरूर होगा। अच्छा खुदा हाफिज।
कम इन। साहब चले गए? जी सर। नौफल साहब आए थे रात को? जी, छोटे साहब तो नहीं आए, साहब सुबह आए हैं उन्हें तलाश करके। वो कह गए थे कि नौफल साहब किसी दोस्त के घर में हैं, बेगम साहब से कहना कि वो फिक्र ना करें। और ये किताब भेजी है कोकब साहब ने। अच्छा जी, रख दो। फैजान, नौफल नहीं आया। तुम क्या करो? तुम वही करो जो एक बाप को करना चाहिए, मना कर लाओ उसे। नहीं, इस तरह नहीं आएगा वो। फैजान प्लीज, इतने हार्ड हार्टेड मत बनो। हाँ, समझ जाएगा ना, अभी छोटा है। एक तो तुम्हारे पास कभी वक्त नहीं होता। अच्छा, मैं ही कुछ करती हूँ। बेगम साहब, वो मौलवी मुकीम साहब आए। कौन सी बात, जरा लिफ्ट करा दो तो, ये लोग तो सरी चढ़ जाते। मोहम्मद हुसैन जी, उन्हें आराम से बिठाइए, चाय वगैरह पिलाइए। उन्हें गिला बहुत है कि गोरा साहब ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। हमारा भी यही इम्प्रेशन न ले जाए। सर, वो बच्चों को बुला रहे थे। क्या हैसल है भाई। मोहम्मद हुसैन, उन्हें जरा नर्म अल्फाज में ये वाजे कर दें कि बच्चे उनसे नहीं मिल सकते। ठीक है, मुझे बच्चों का इलाज मिल गया है। जी बेहतर। बेगम साहब, बच्चे आज फिर स्कूल नहीं गए। कोई बात नहीं, आया से कहो अगर वो ना जाना चाहे तो ज्यादा इसरार ना किया करें। बेहतर जी। हेलो। हाँ कौकब, हाँ थैंक यू वेरी मच, मुझे मिल गई किताब। हाँ हाँ भाई, मैं तो बड़ी इंप्रेस हो गई हूँ। कितनी रिसर्च करते हैं ये हाई आईक्यू के बच्चों को हैंडल करने के लिए। हाँ, कितना डेटा इकट्ठा किया हुआ है। वाकई भाई, नहीं नहीं मैंने तो फैसला कर लिया। हाँ नहीं कि मैं लंदन चली जाऊंगी भाई, खुद ही वहां जाकर बच्चे डिसिप्लिन हो जाएंगे वहां की लाइफ में रहकर। और क्या क्या हुआ अगर वहां की लाइफ जरा टफ है तो, इतने लोग रहते हैं, मैं भी रह लूंगी। हाँ और क्या, यहां रहकर कोई मौलवी मुकीम के मत्थे थोड़ी लगना है रोज रोज। हाँ मौलवी मुकीम, हाँ कैरेक्टर है। हाँ मैं जरा मिलने चली गई तो बस, हाँ चमचिचड़ हो गए। बिल्कुल सही। नहीं नहीं नहीं, तुम फिक्र ना करो, सिकंदरा आप गई के गई, वहीं से प्रॉब्लम्स आते हैं और वहीं उनका इलाज भी है। बाय। अल्लाह काफी, अल्लाह शाफी, अल्लाह काफी, अल्लाह शाफी। अल्लाह काफी, अल्लाह शाफी, अल्लाह काफी, अल्लाह शाफी, अल्लाह काफी, अल्लाह शाफी।
है।